अहम खबरों के साथ, बड़ी खबर के साथ। आज प्रयागराज दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें, आज प्रयागराज दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। संगम नगरी में महिलाओं का मेगा सम्मेलन होगा। महिलाओं को प्रधानमंत्री 1,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। मात्र शक्ति महाकुंभ के नाम से भाजपा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर से प्रयागराज पहुंचेंगी 2.5 लाख महिलाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी की लगेगी प्रयोगशाला। बता दें, बड़ी खबर है, जहां प्रयागराज दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। संगम नगरी में महिलाओं का मेगा सम्मेलन होने जा रहा है। महिलाओं को 1,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मात्र शक्ति महाकुंभ के नाम से भाजपा का ये महत्वपूर्ण आयोजन जो है वो हो रहा है। प्रदेश भर से 2.5 लाख महिलाएं यहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी की प्रयोगशाला लगने जा रही है। तो संगम नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात दे रहे हैं। प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर खास फोकस्ड हैं इस चुनाव के लिहाज से, और यूपी चुनाव के लिहाज से खास तौर से महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का दौरा। संगम नगरी में महिलाओं का मेगा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री 1,000 करोड़ की सौगात महिलाओं को आज देने जा रहे हैं। मात्र शक्ति महाकुंभ के नाम से ये भाजपा जो है वो बड़ा आयोजन, बड़ा इवेंट करने जा रही है, जिसमें 2.5 लाख महिलाएं पहुंचने की उम्मीद है। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12:45 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचाएंगे। संगम नगरी पहुंच रहे प्रधानमंत्री। आनंद राज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरह से बात करें प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट महिलाओं को लेकर खास फोकस, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लगातार प्रयास रहता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण, कितने बजे से पहुंचेंगे, क्या कुछ खास तैयारियां? देखिए, प्रयागराज में एक कुंभ अलग से लग रहा है, जो कुंभ वैसे एक मैदान में सीमित है, हालांकि जगह वही है संगम तट, और यहाँ पर इस बार महिलाओं का कुंभ है। इस कुंभ की खास बात यह है कि स्वयं उन महिलाओं को सम्मानित और संबोधन करेंगे जो सामाजिक कार्य, अच्छा समाज में एक अच्छा कार्य किया है, ऐसी महिलाओं को सम्मानित करेंगे। काफी महिलाओं को कई पुरस्कृत करेंगे, जो लाभार्थी उनको इनाम भी दिए जाएंगे, खासकर 20 से 25 महिलाओं से खासकर वो मुलाकात भी करेंगे। ऐसे में 12 बजे से 12:30 बजे बीच में पीएम को आना है, और परेड ग्राउंड में वो पहुंचेंगे चार्टर्ड प्लेन के जरिए। उससे पहले वो खबरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर चार्टर्ड प्लेन से परेड ग्राउंड में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा नहीं है, बीते 15 सालों में उनका 8वीं बार ये प्रयागराज का दौरा है। बतौर पीएम रहते हुए वो 8 बार यहाँ का दौरा करने आ रहे हैं। ऐसे में 86 जो घमासान है उसके बीच में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है 2022 चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से पहले इनकी ये सभा है, तो ऐसे में बहुत सियासी घमासान है और सियासी पारे में काफी पड़ गया है। जी। तो सियासी पारा जो है वो बढ़ता हुआ उस वक्त नजर आएगा जब महिलाओं के लिए सम्मेलन खास तौर से हो रहा है। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महत्वपूर्ण महिलाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करने जा रहे हैं और परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बता दें, प्रधानमंत्री का आज महत्वपूर्ण दौरा, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम नगरी में महिलाओं का मेगा सम्मेलन, मेगा इवेंट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आज खास तौर से 1,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। और बात